हेलो एवरीवन, आज फिर देखते हैं कुछ नए रिएक्शंस। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखता हूँ नए रिएक्शन के लिए, देखिएगा। आर एस G-E-R-H। इसको ऐसे याद करना है, लर्न करना है। राजेश शुक्ला जी इंजीनियर है, याद रखेंगे। राजेश शुक्ला जी इंजीनियर है, ये याद रखेंगे। अब इनमें प्रोडक्ट जो बनने वाला है इनसे आर एस जी ई आर, इनसे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। अब ये क्या है? इससे है मैं प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। ये क्या है? हेलोफार्म। ये क्या है? हेलोफार्म रिएक्शन। अब वन बाय वन आर का मीनिंग क्या हम यहां पर लेंगे। आर मीनिंग है रोजन मंड रिएक्शन। रोजन मंड रिएक्शन। एस का मीनिंग है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन। जी का मीनिंग है यहां पे गेटर माइंड है, कोच। एल्डिहाइड रिएक्शन। ये जी का मीनिंग है। ई का मीनिंग है इटार्ड रिएक्शन। फिर आर का मीनिंग है राइमर टीमैन। राइमर टीमैन रिएक्शन। और एच मैंने हेलो फॉर्म में किया। तो कैसे याद रखेंगे? राजेश शुक्ला जी इंजीनियर हैं। आर का मतलब क्या होगा? रोजन मंड रिएक्शन। एच का मतलब स्टीफन रिएक्शन। जी का मतलब गटरमैन कोच। एल्डिहाइड रिएक्शन। ई का मतलब एटार्ड रिएक्शन। और आर का मतलब राइमर टीमैन। और है में प्रोडक्ट हेलो फॉर्म रिएक्शन है, तो इसमें हेलो फॉर्म ही बनते हैं। हेलो फॉर्म क्या होते हैं? CHCl3 जैसे क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3, ये सब क्या है? हेलोफॉर्म, राइट। इस से इस रिएक्शन को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो देखते हैं वन बाई वन, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लेता हूं R, पहला वाला रोजन मंड रिएक्शन। रोजन मंड अक्रिया, राइट। इसमें करना क्या है हमको, देखिएगा। आर सीओ सीएल हम लेंगे, इसका हम कराएंगे अपचयन। एच इसकी उपस्थिति में पीडी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, या हम ले लें ए आर का मतलब एरियल। सीओ सीएल इसका कराएंगे अपचयन के लिए, एच जोड़ेंगे पी डी बी ए एस ओ फोर, और बनेगा क्या यहाँ पे? एल्डिहाइड। और यहाँ भी क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड, राइट। तो ये इस रिएक्शन का फंडा है। ये आपको ये क्या है? आर सी ओ सी एल एसिड हैलाइड है, ये लेना है और आपको एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्या लेना है हमको यहाँ पे, क्या लेना है? आर सी ओ सी एल या ए आर सी ओ सी एल लेंगे हम। और क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे मैंने लिया सी एच थ्री सी ओ सी एल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटिल क्लोराइड। एसीटिल क्लोराइड। इसका अपचयन एच जोड़ दिया अपचयन के लिए,
पीडी एंड बीएसओ फोर ले लिया, राइट। क्या बनाना चाहते हैं? एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे दो एच ले लेंगे, एक एच एचसीएल के साथ चला जाएगा प्लस, और एक एच यहाँ आएगा सी के साथ जुड़ जाएगा, सी एच थ्री सी, और एक एच आएगा सी एच थ्री सी एच ओ। ये बन गया एल्डिहाइड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टल्डिहाइड। तो क्या सीखा हमने इसमें? एचसीएल निकल गया और एक एच सी को देखा, सी एच थ्री सी एच ओ और एस्टल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल, फिर टू एच ही लेने पड़ेंगे, अब चेंज कराना है इसमें। ये रिडक्शन बोल सकते हैं किसकी उपस्थिति में? पी डी बी एस ओ फोर, राइट। तो क्या निकल जाएगा भाई? फिर एच सी एल, एक एच और सी एल, एस सी एल बाहर निकाल दो, सी सिक्स एच फाइव, एक एच इस सी से जोड़ो, एक एच को इस सी से जोड़ो, सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको सी एच थ्री सी एच ओ को एस्टल्डिहाइड। तो रोजनमंड अपचयन कहलाता है, वैसे ही रोजनमंड अपचयन या रोजनमंड अपक्रिया, तो रोजनमंड अपचयन भी ले सकते हो। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? पीडी और पैलेडियम और बीएसओ4 बेरियम सल्फेट की उपस्थित में क्या होता है? अपचयन होता है, एक एच और सीएल एससीएल निकल जाएगा। इसके बाद क्या हो? एक एच सी को दे दो, सी एच थ्री सी एच, इसी तरह से इसमें हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, राइट। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें साइनाइड लेते हैं, जैसे हमने लिया सी एच थ्री सी एम, राइट। इसका अपचयन हम कराते हैं एसन टेन और एस सी एल की प्रेजेंस में, एक कंपाउंड बनता है बाद में यौगिक, और उसका हम कराते हैं जल अपघटन वाटर, कंपाउंड क्या बन जाता है? बी। मतलब मैं यहाँ रिएक्शन पूरा लिखूंगा अभी, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ले लिया हमने, इसका हमने अपचयन कराया एस एन और एस सी एल की उपस्थित में, हम एच जोड़ देंगे, राइट। अब करना क्या है? एक हम यहाँ पे दो एच लेंगे, एक एच इसको देते हैं और एक एच इसको देते हैं, राइट। या इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे हम एस एन प्लस टू एस सी एल की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? एस एन सी एल टू प्लस टू एच, ये तो एस एन और एस सी एल से इस प्रकार हमें एच मिल जाएगा, राइट। ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो एस एन सी एल फोर बना दें, उससे हमें एच मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक एच हम इसको दे देंगे, एक एच इसको दे देंगे, ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये हो जाएगा। क्या हुआ? एक एच इसको दे दिया तो सी एच हो, एक एच इसको दिया तो एन एच। जैसे हम एच जोड़ेंगे यहाँ पे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री होती है, वन टू थ्री है यहाँ पे, यहाँ चेक करें डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कम कर दिया, वन टू, ये हाइड्रोजन थ्री, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें वन वन टू थ्री और ये हाइड्रोजन फोर, राइट। इसलिए एक बॉन्ड हटा दिया। आगे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच, इसका हम कराएंगे वाटर से रिएक्शन, ये हम कह सकते हैं जल अपघटन, जल अपघटन कह सकते हैं इसको। ये पार्ट हम निकाल देंगे इससे, क्या निकल जाएगा भाई? एन एच थ्री निकल जाएगा प्लस, और ये इस बॉन्ड से ओ एच जुड़ेगा, इस बॉन्ड से भी ओ एच जुड़ जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच, ये बन गया। एक बॉन्ड इस ओ एच को जोड़ देगा, एक बॉन्ड इस ओ एच को जोड़ देगा। और जब किसी एक ही कार्बन पर दो ओ एच ग्रुप जुड़े हों तो वो कैसा होता है? अस्थाई। ये अस्थाई कंपाउंड अनस्टेबल है, ये अपने में से वाटर निकाल देगा, इसको नीचे ले आओ, सी एच थ्री सी एच ओ एच,
और ये अपने में से क्या करेगा, ये वाटर निकाल H-OH वाटर निकाल दिया, क्या बचेगा CH3CHO, ये वाटर निकल गया, अब बचेगा क्या CH3CHO, और ये क्या बन गया भाई एस्टर है, तो ये क्या है स्टूडेंट रिएक्शन है हमारी, ठीक है ना, तो वाटर निकाल दिया और एस्टर डिहाइड बन गया। अगली रिएक्शन देखते हैं इसी में, गेटर मैन कोच एल्डिहाइड पकड़ेगा, गेटर मैन कोच एल्डिहाइड पकड़ेगा, ये रिएक्शन है गेटर मैन कोच एल्डिहाइड पकड़ेगा। इसमें हम लेते हैं बेंजीन CH और लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और निर्जल AlCl3 की उपस्थित में रिएक्शन होती है, क्या क्या लेते हैं इसमें बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl राइट, और किसकी उपस्थित में रिएक्शन होती है निर्जल, हमें क्या करना है इस H को हटाना है और इसके जगह पर लाना है CHO, इसके प्लेस पे CHO, तो CHO हमें यहाँ से मिल जाएगा CO और H मिला करके, ऐसे सोचना है कि CO और H मिला के हमारा क्या बन जाएगा ये CHO ग्रुप बन जाएगा, ऐसे सोचना है CHO और ये H और ये Cl फिर निकाल दो, ऐसे ये सोचो कि ये H और ये Cl निकल गया, फिर समझने के लिए क्या सोचना है CHO ये बन गया, इस H को इस Cl को फिर हटा दो CHO और यहाँ जोड़ दें, इस तरह से इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, क्या समझ रहा है हमको ऐसे CHO CHO बन गया, ये H और Cl फिर बाहर निकाल दो और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, तो ये क्या है सिंपल वे है हम कैसे इसको बैलेंस करके समझें, CHO इस H को हटाओ इसके साथ HCl हो राइट, तो ये क्या था बेंजीन और ये क्या है बेंजाल्डिहाइड बन गया राइट, तो इस तरह से क्या हो गई गटर मैन कोच एल्डिहाइड हो गया। आगे चलते हैं रिटार्ड हो गया, रिटार्ड इसमें क्या लेते हैं इटामिस टालमीन इटार्ड ऐसे रिएक्शन, तो टामिस क्या लेते हैं टालमीन, ठीक है ना, और ए और डी मीन्स एल्डिहाइड, क्या बनाना है एल्डिहाइड, हम यहां लेते हैं टी मीन्स टालमीन CH3 बेंजीन रिंग में CH3 लगा दो क्या कहलाएगा वो टालमीन कहलाएगा, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2 से CH2 की उपस्थिति में, फिर एक कंपाउंड एक माध्यमिक यौगिक बनेगा उसका हम अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं वाटर से रिएक्शन तो भी बनेगा, ये इस टाइप से रिएक्शन है, सबसे पहले हम टालमीन का रिएक्शन CrO2Cl2 से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में और जो बनेगा उसको अम्ल की उपस्थिति में H+ अम्ल है वाटर के से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है ये एल्डिहाइड बन जाता है, बी क्या है यहाँ पे एल्डिहाइड, क्योंकि इन सारी रिएक्शन में क्या बनता है एल्डिहाइड, तो ये मैंने बताया कि इस तरह से इस रिएक्शन को हमें कराना है, ठीक है ना, तो देखते हैं इस रिएक्शन को, पहले हम किससे रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2 किसकी उपस्थिति में CH2 एक माध्यमिक यौगिक बनेगा उसको हम किससे कराएंगे वाटर से H+ मतलब एसिड की प्रजेंस एसिड की उपस्थिति,
देखिए इस रिएक्शन को, तो CH3 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, देखिएगा ऐसे CrO2Cl2। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और दो CrO2Cl2 हम लेंगे इसे, ये इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें और किसकी उपस्थित में रिएक्शन करानी है, CH3। अब कैसे समझेंगे इसको, देखिए क्या करिए कि ये समझिए कि ये H इसके साथ चला गया, राइट, ये H इसके साथ चला गया तो क्या बना लेगा OH, और ये H इसके साथ चला गया, ये सोचिए एग्जाम में ये नहीं बनाने, ये एरो वगैरह नहीं बनाने, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। H इसके साथ चला गया, O के साथ OH बना दिया और ये बॉन्ड हट गया, चला गया इसके साथ बॉन्ड हट गया, खाली हो गया, ये H इसके साथ चला गया OH बना देगा ये, और ये बॉन्ड भी खाली हो गया, राइट। तो देखिएगा आगे ये OH हो गया, मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे CCH ये आ गया। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये ओ और एच CrOH हो जाएगा, Cl2 तो रहेगा ही, ये बॉन्ड खाली हो गया, ये बॉन्ड हट गया, और इसी बॉन्ड से मैं इस O को जोड़ दूंगा, इसे इस O ऐसे, ये H इसके साथ चला गया, ये बॉन्ड खाली हो गया, इस बॉन्ड को इस O से जोड़ दूंगा ऐसे, तो यहाँ ये क्या हो गया OH। तो अब आगे देखिएगा CrOH Cl Cl ऐसे, इस Cr से क्या जोड़ दिया OH Cl Cl, इस बॉन्ड इस O को मुझे इससे जोड़ना है CH से, अब डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा, क्यों, इस O को यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ से राइट, यहाँ जोड़ दिया, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर रहेगा, सेम यहाँ पर OH हो गया, ये डबल नहीं रह जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड खाली हो गया, इसको मुझे इससे जोड़ना है, ये OCHO ऐसे, और ये सिंगल हो जाएगा, तो CrOH Cl Cl ये बन गया। Cr के साथ क्या बना लिया इसने, OH इधर आ गया, Cr के साथ क्या बना लिया OH, ये OH इधर आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ, और ये O इधर जुड़ गया, और ये O इधर जुड़ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब माध्यमिक यौगिक बन गया। अब इसको नीचे ले आएंगे, तो जब इसको हम नीचे ले आएंगे OH Cl और ये भी Cl, OH Cl और ये Cl, राइट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये Cr, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम रिएक्शन वाटर से करा देंगे, इसका रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे HOH से, ठीक। देखिएगा हमें बनाना एल्डिहाइड, हम क्या करें, इतना पार्ट हटा दें, इतना पार्ट, ये देखिए ये हटा दें, इतना पार्ट हटा दें तो CHO बन जाएगा, मतलब ऐसे, राइट, और यहां से इसको ब्रेक कर दें ऐसे, ठीक। अब देखिए यहां से हमने इसको ब्रेक किया, तो अब और यहां से इसको ब्रेक किया, ये H इसको दे दीजिए और ये OH इसको दे दीजिए, ये OH इसको दे दीजिए, क्या बनने वाला देखिएगा Cr, राइट, OH ट्वाइस फिर Cl2, CrOH ट्वाइस Cl2, यहाँ क्या बनने वाला है, ये O और H फिर जाएंगे इसके साथ, ध्यान दीजिएगा OH, ठीक, Cr
OH इधर, OH इधर, CR OH twice CR, ये देखिए कैसे समझना इसको। OH तो था ही, ये OH इसके साथ फिर चला गया क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया, CR OH दो OH हो गए, CR two, CR OH का twice CR two, और ये H फिर चला गया इसके साथ, क्या होना CR OH ये OH हो जाएगा, OH कवर twice CR two, और ये पार्ट क्या होगा सी एच ओ हो गया, और ये बेंजल डिहाइड हो गया, ये हमारा बेंजल डिहाइड बन गया। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या है बेंजल डिहाइड, राइट। इस तरह से हमने इस रिएक्शन को समझने की कोशिश की, देखिएगा इस रिएक्शन को मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, समझिएगा इसको। ये थी हमारी एटराट रिएक्शन। यहाँ जो CrO2 Cl2 है उसे क्या कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, मैंने बताया था आर एस राजेश शुक्ला जी बताया था ई आर, ई आर अब आर पे आ गया, फिर ये क्या था रोजनमंड, ये क्या था स्टीफन, ये क्या था गटरमैन कोच, ये क्या था इटार्ड, और आर क्या है हमारा राइमर टीम है। तो ये रिएक्शन है क्या राइमर टीम है, राइमर टीम है अब क्रिया, इसे क्या पढ़ेंगे राइमर टीम है नब्बे। तो देखिएगा इसको राइमर टीम है ना फिर, इसमें क्या लेते हैं हम लोग फिनॉल लेते हैं, ये हमने फिनॉल लिया, इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म और केवेस से कराते हैं, दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, फिनॉल लिया राइट, सॉरी चलो रिसीव करते हैं पहले क्लोरोफॉर्म और केवेस से कराते हैं, तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ये सोचना तुम्हें जो फिनॉल है ये किस में चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, ये सोचना है क्योंकि मैंने पहले बताया था ये किस में चेंज होना है इसको एल्डिहाइड, ये कंपाउंड एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, यहाँ OH है अब एल्डिहाइड में इसको चेंज होना है तो OH में तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्या सोचना है ये H हट जाता है और यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाता है एल्डिहाइड, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया सारे कंपाउंड्स क्या देते हैं एल्डिहाइड देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये एच हटा दीजिए इसके प्लेस पे सी एच ओ जोड़ दीजिए, क्योंकि इसको हमें एल्डिहाइड में चेंज करना है, ओ एच के साथ ही इसको नहीं हटाना, इसके जस्ट नीचे वाले एच को हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए सी एच ओ, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये सोचना है। तो फिनॉल्स का क्लोरोफॉर्म और केवेस से रिएक्शन कराते हैं ठीक, और ये किस में चेंज हो गया क्या आ गया इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये सोचना है। कितना क्लोरीन दिख रहा है थ्री, तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री के और थ्री सी एल, थ्री के सी एल निकल जाएगा राइट। अब ऑक्सीजन चेक करिए, तीन ऑक्सीजन इधर और एक इधर, तीन और एक चार, इधर कितना है दो ऑक्सीजन है, उधर चार इधर दो, कितना ऑक्सीजन कम है दो, दो कम है तो दो वाटर जोड़ दीजिए और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं सेल सेल डिहाइड, इस कंपाउंड का नेम क्या है सेल सेल डिहाइड। तो अगले वीडियो नेक्स्ट में फिर देखते हैं।